सियाटिका का दर्द एक आदमी को कितना परेशान करता है ये वही फील कर सकता है जिसको ये दर्द हो रहा हो, या फिर आपके नोन में कोई ऐसा पर्सन जो इस दिक्कत से सफ़र कर रहा हो वो इस सियाटिका का जब पेन उभरता है तो किस हद तक परेशान होता और पजल्ड होता है इसके बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। सियाटिका वास्तव में हमारे कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर और पैरों के नीचे तक जाता है। आज हम अपने इस वीडियो में सियाटिका के मेन कारण के बारे में बात करेंगे। कारण के साथ साथ हम उन पहलुओं पे भी ध्यान देंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं, नेचुरल वो कौन सा तरीका है जिस तरीके से आप सियाटिका को ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वो कौन सा एक्सरसाइज है जो आपको करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज है जो एकदम नहीं करनी चाहिए, इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन की इसमें कितनी यूटिलिटी है और होम्योपैथिक दवाइयाँ कितनी सक्षम है सियाटिका को ठीक करने के लिए। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामया, होम्योपैथी के अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो उसे शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सियाटिक नर्व जो होती है वो हमारी लंबर प्लेक्सस से यानी कि हमारे लो बैक से निकलने वाली एक नस होती है जो L4 से S3 के थ्रू होके निकलती है। यानी कि आपकी कमर में कोई भी यदि पैथोलॉजी हो रही है खास करके इस रीजन में तो नो डाउट वो सियाटिक नर्व को कंप्रेस करती है और जिसकी वजह से आपको सियाटिका का दर्द होता है। जैसे रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, यदि वास्तव में आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो रही हो या फिर L4, L5, S1 में कोई कंप्रेशन हो रहा हो, डिस्क हर्निएशन हो रहा हो, डिस्क बल्ज हो रहा हो या फिर कहीं चोट लगी हो, ये मल्टीपल ऑफ द ऐसे फैक्टर हैं जो वास्तव में सियाटिका को प्रमोट करते हैं या फिर सियाटिका की शुरुआत करते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात ये जानना है कि सियाटिका की नर्व जब कंप्रेस होती है जिसकी वजह से सियाटिक पेन होता है उसका कोर्स क्या है। सियाटिक नर्व जब कंप्रेस होती है तो उसका जो कोर्स होता है वो कमर से होके हमारे बैक यानी ग्लूटियल मसल से होते हुए नीचे पैर में जाता है। कंप्रेशन जितना ही सीवियर होगा पेन और बाकी चीज़ें उतनी ही सीवियर होंगी। यानी कि इनिशियल लेवल में यदि आपको कंप्रेशन कम हो रहा है तो आपको केवल झुनझुनाहट महसूस होगी। कंप्रेशन और ज़्यादा हुआ तो दर्द और टिंगलिंग के साथ आएगा, और कंप्रेशन शुरू हुआ तो आपके पैरों में रेस्टिंग कंडीशन में नंबनेस की फीलिंग या सुन्नपने की फीलिंग होगी। तो ये मल्टीपल ऑफ द स्टेजेज हैं जिसके बिहाव पे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी सियाटिका की नर्व कंप्रेस हो रही है और जिसकी वजह से हमें सियाटिक पेन हो रहा है। पेन के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, हमने कोर्स बता दिया। पेन वास्तव में इतना सीवियर होता है कि मरीज उठ पाने में, बैठ पाने में, चल पाने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी। तो ये उसके कुछ कॉमन कैरेक्टर हैं जिस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वास्तव में सियाटिक नर्व का पेन है। ज़्यादा यदि आपको डायग्नोसिस क्लियर करनी है तो आप एक लोअर बैक रीजन का एक MRI करवा सकते हैं जिसमें ये काफ़ी हद तक कंफर्म हो जाता है कि किस रीजन में कितना कंप्रेशन है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या प्रिकॉशन और क्या मेडिकेशन इस्तेमाल करना है। इलाज और बाकी चीज़ों पे आने से पहले सबसे पहले हम आपको प्रिकॉशंस के बारे में बताएंगे, उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और प्रिकॉशंस में भी सबसे पहली चीज़ें क्या ना करें। यदि आपको सियाटिका का पेन हो रहा तो लंबे टाइम तक सिटिंग ना करें और लंबे टाइम तक स्टैंडिंग ना करें, इन दो चीज़ों से आप बचें। आप यदि बैठ भी रहें तो थोड़ी देर पे उठ के आप चल लिया करिए, थोड़ा मूवमेंट कर लिया करिए। फॉरवर्ड स्टूपिंग आप एकदम नहीं करेंगे, ना आप झुकेंगे और ना झुक के कोई भारी सामान उठाएंगे या उठाएंगी। इन दो चीज़ों से यदि आप बच रहे हैं और इसके साथ यदि आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन कर रहे हैं या कर रही हैं तो नो डाउट ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सियाटिका के रिकवरी में काफ़ी हद तक रोल प्ले करेंगे। यानी कि कोई भी मेडिकेशन आप ले रहे हैं बिना इन तीन प्रिकॉशंस के आपको आराम नहीं मिलेगा। यदि आप कोई इलाज ले रहे हैं, कोई भारी सामान उठा रहे हैं, लगातार सिटिंग कर रहे हैं, आगे की तरफ झुक रहे हैं और हाइड्रेशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो नो डाउट जो आप आराम की उम्मीद करते हैं वो आपको नहीं मिलना है। अब इसके साथ जरूरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि करें तो क्या करें, यानी कि हम एक्सरसाइज और बाकी सारी चीज़ों में या डाइट में क्या करेक्शन करें जिसकी वजह से हम इसे करेक्ट कर सकें। ध्यान रखिएगा सबसे ज़रूरी चीज़ होगा ट्रीटमेंट का पार्ट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का पार्ट, उसे मिस मत करिएगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। बात करते हैं डाइट की। वास्तव में हमारी रीढ़ की हड्डी और नसों के लिए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है खास करके नसों की हेल्थ के लिए वो विटामिन B12 या साइनोकोबलामिन होता है। साइनोकोबलामिन यानी विटामिन B12 रिच फूड लीजिए जिसमें आपके नॉनवेज भी आते हैं और जिसमें आपका मिल्क भी आता है। इसके अलावा काफ़ी ऐसी डाइट और भी है जिसमें साइनोकोबलामिन सफिशियंट अमाउंट में मिलता है।
दूसरे नंबर पे ओमेगा 369 फैटी एसिड्स का ज़्यादा कंजम्पशन करें, यानी कि ये वो फैटी एसिड्स हैं जो आपकी नर्व की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यानी कि वास्तव में मैसेज का जो कंडक्शन होता है उसके लिए सबसे ज़रूरी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये। सो दैट्स वाई ऐसी डाइट का यूज़ करें जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ओमेगा 369 की सफिशियंट मात्रा हो, जिसमें आप कॉड लीवर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, फिश ऑयल यूज़ कर सकते हैं और ढेर सारे ऐसे नेचुरल न्यूट्रिएंट भी हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। फाइबर रिच डाइट की बात करते हैं। जब भी आप नेचुरल फॉर्म में कोई फाइबर लेते हैं तो उसमें मल्टी विटामिन्स होते हैं, यानी कि आप कोई भी हरी सब्जी ले रहे हैं जिसमें सेलुलोज का अमाउंट ज़्यादा है उसके साथ साथ आपको फाइबर का अमाउंट मिलता है और फाइबर के साथ ये रिच न्यूट्रिएंट भी आपको मिलते हैं जो आपके की हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में कि हड्डियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, ऐसा नहीं है। मैग्नीशियम भी सफिशिएंट अमाउंट में होता है और आज की डेट में कैल्शियम के आगे लोग मैग्नीशियम को मिस करते हैं। तो ऐसी डाइट का कंजम्पशन ज़्यादा करें जिसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा हो, क्योंकि वास्तव में ये हमारी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेंथ देता है कैल्शियम के साथ मिलकर। जैसे केला, पालक, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में खूब ज़्यादा यूज़ करें। जो एक्सरसाइज सियाटिका की रिकवरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है स्ट्रेचिंग। हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग यदि सही तरीके से किया जाए, और ये ध्यान दीजिएगा किसी ट्रेनर के अंडर में ही करिएगा, अपने से ना करिए। यूट्यूब का चैनल आपने लगाया और पहले दिन लग ली, ऐसा ना करिएगा। ढेर सारे मरीजों को मैंने ऐसा यूट्यूब का ज्ञान लेके और खूब स्ट्रेचिंग करते हुए देखा जो अगले दिन फिर क्लिनिक में भगे भगे आते हैं। एक ट्रेनर के अंडर में रह के स्ट्रेचिंग करवाइए हैमस्ट्रिंग मसल की। इसके अलावा फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खास करके डायाथर्मी और स्ट्रेचिंग का। तो डायाथर्मी यानी कि कमर के नीचे थोड़ा सा टेम्परेचर दिया गया और उसके साथ पैर में थोड़ा सा वेट लगा के उसे स्ट्रेच किया गया, ऐसी कंडीशन में जो नर्व का कंप्रेशन होता है वो काफ़ी हद तक रिलीज होता है और ये काफ़ी आराम देता है। यदि ये दो काम कर रहे हैं आप, तो दवाइयाँ जो भी आप ले रहे हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होगी और आपको इसमें काफ़ी आराम मिलेगा। इसीलिए जब ठंडियों के दिनों में नसें सिकुड़ती हैं, ऐसे समय में सियाटिका का पेन प्रोवोक्ड हो जाता है, खास करके मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हैं या सो के उठती हैं। पेल्विक टिल्टिंग भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पेल्विक टिल्टिंग मतलब लाइक दिस, ठीक है। ये वास्तव में यदि आप किसी योगा ट्रेनर के अंडर में रह के करें तो वो आपको स्ट्रेचिंग को भी सही तरीके से मैनेज कर लेगा, पेल्विक टिल्टिंग को भी सही तरीके से मैनेज करेगा और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग को भी बहुत सही तरीके से मैनेज करेगा। तो यदि आप सियाटिका से सफ़र कर रहे हैं चाहे सफ़र कर रही हैं, तो आप किसी भी योगा थेरेपिस्ट को हायर कर लें और उसके साथ इसकी एक्सरसाइज कर लें ठंडियाँ आने से पहले, तो नो डाउट ये आपकी रिकवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है दवाइयों के यूज़ के साथ साथ। और यही वो तरीके हैं जिससे आप हमेशा के लिए ठीक रह सकते हैं, अदरवाइज दवाइयों का कोई एंड नहीं है। पेन किलर लेते लेते आपकी हालत ख़राब हो जाएगी और पेन किलर का कोई एंड नहीं है। सो दैट्स वाई अपने ऊपर भरोसा करें, इन नेचुरल तरीकों को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करें और सियाटिका के पेन से बचे रहें। लौट के आते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की यूटिलिटी के बारे में। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब तक हम कॉज को सही तरीके से ट्रैक नहीं करेंगे, जब तक कॉज को हम ठीक नहीं करेंगे, तब तक कोई भी बीमारी ठीक नहीं होगी। आराम मिलना बीमारी ठीक होने का एक केवल इंडिकेशन है लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है। जैसे किसी को सियाटिक नर्व का पेन हो रहा है तो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में या फिर आप उसे पेन किलर दे दीजिए, और आज की डेट में न्यूरो के ज़्यादातर डॉक्टर गाबापेंटीन का खूब यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि केवल इन दो दवाइयों के यूज़ से आपका सियाटिका कभी ठीक नहीं होने वाला है, आपको आराम मिलेगा, श्योरली आराम मिलेगा। पेन को मैनेज करने का दो तरीका है, या फिर पेन किलर दे के पेन को मैनेज कर लीजिए, स्टेरॉयड दे के पेन को मैनेज कर लीजिए, या फिर कुछ ऐसे ब्लॉकर्स दे के आप पेन को मैनेज कर लीजिए ताकि वहाँ से सेंसरी रिस्पॉन्स ना जाने पाए। लेकिन दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। यदि आपको पूरी तरह से ठीक होना है तो जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको फिज़िकल वर्कआउट के बारे में बताया, डाइट के बारे में बताया, उसको ज़रूर 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 अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करिए। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिकेशन की। होम्योपैथिक मेडिकेशन में 3-4 कॉमन दवाइयां हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की तुलना में नज़दीक के किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलेंगे, केस हिस्ट्री देंगे, केस एनालिसिस के बाद से जो दवा दी जाएगी वही दवा होगी जो आपको पूरी तरह से ठीक करेगी। फिर भी सबसे कॉमनली यूज़ होने वाली जो दवा होती है रस्टॉक्स होती है। मॉर्निंग आवर में पेन का प्रेसिपिटेशन, फर्स्ट मूवमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत, स्टिफनेस और इसके साथ साथ बाकी एक एंजाइटी या रेस्टलेसनेस पैरों में। रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में यदि कोई आदमी या कोई औरत लगातार 10 मिनट सुबह दोपहर शाम लेता रहे तो उसे आराम मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आराम मिल जाएगा।
रस्टॉक्स एक्यूट मेडिसिन है, इसलिए आराम भी थोड़ी देर के लिए देगी, इसे लगातार लेना पड़ता है। दूसरे नंबर पे कोलोसिंथ आती है, एक पर्सन जो थोड़ा इरिटेबल टेंपर का है, पेन की वजह से बहुत जल्दी पिनक जा रहा है, परेशान हो जा रहा है या हो जा रही है, ऐसे कंडीशन में यदि वो लेफ़्ट साइड का सियाटिक पेन है तो उसमें सबसे अच्छे तरीके से कोलोसिंथ काम करती है। ध्यान दीजिएगा, कोलोसिंथ काम करती, आराम देगी, लेकिन ठीक करने के लिए फिर आपको लौट के कॉन्स्टिट्यूशन तक जाना पड़ेगा प्रिकॉशंस के साथ। गुएकम बहुत अच्छी दवा है, उसको भी लोग आजकल लोअर पोटेंसी में यूज़ करते हैं, उसको भी आप 10 मिनट सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, आराम देगा। इसके अलावा मैगफॉस भी बहुत अच्छी दवा है, जो लोग लोअर ट्राइसोलेशन में यूज़ करते हैं, 6x पोटेंसी में 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम, ये भी आपको आराम देगी। इसके अलावा नेथैलियम पॉलीकार्पम है, जो लोअर पोटेंसी में यूज़ होती है, हम लोगों को 4x में देते हैं, आपको 4x में नहीं मिलेगी, क्यू में मिलेगी। क्यू में आप उसको डायलूट करके 10 मिनट सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, चाहे ले सकते हैं, जिससे आपको आराम मिलेगा। ये 4-5 दवाइयाँ सिग्निफिकेंटली रिलीफ देती हैं इन कंपेरिजन टू द पेन किलर, लेकिन फिर भी मॉडलिटी का बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मॉडलिटी के हिसाब से मेडिसिन, अब हमने 5 दवाई बताई तो 5 को मिला के ना ले लीजिएगा, इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया कि ज़्यादा बेटर है कि किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहते हुए इलाज करवाइए, वही आपको पूरी तरह से ठीक करेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों को शेयर करिएगा, ताकि बाकी लोग भी सियाटिका के दर्द से उभरने में इस वीडियो के सहारे अपनी मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामय होम्योपैथी से।